मोहतरम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जफर इकबाल और आप देख रहे हैं जफर टेक टीवी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास सेशन के अंदर हम यूज करेंगे क्रॉप और जूम इन एंड जूम आउट पेन। जी बिल्कुल, फिल्मोरा के अंदर आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं और आप उसमें से एक्स्ट्रा या कुछ हिस्से को क्रॉप करना चाहते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, आप स्क्रीन को अपनी उस वीडियो को क्रॉप कैसे करेंगे और जूम इन जूम आउट पेन कैसे यूज़ करेंगे, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की जानिब। मोहतरम स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन की जानब और सबसे पहले हम ओपन करेंगे वीडियो एडिटर फिल्मोरा को। फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हम इसमें कोई भी डाटा, कोई वीडियो इंपोर्ट करेंगे ताकि हम उसके ऊपर क्रॉप और वीडियो को आपने किस तरह से जूम इन या जूम आउट करना है आज की क्लास में हम सीखेंगे। जैसे कि अभी हमारे सामने एक वीडियो जो है वो हमने अपनी टाइमलाइन के अंदर ऐड कर लिए, तो अब इसको क्रॉप करते हैं कि आपने क्रॉप किस तरह से करना है। अगर आप कोई वीडियो है, कोई भी है, आपके पास डाटा है, मीडिया है, आप उसका कोई ख़ास हिस्सा रखना चाहते हैं या उसमें से कोई एक्स्ट्रा हिस्सा को आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। सिंपली उस मीडिया पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन आ रहा है क्रॉप का। इसको आप Alt प्लस C से भी कर सकते हैं और अगर हम एडिट पर क्लिक करें तो यहाँ से भी हम, ये क्रॉप का बटन है, यहाँ से भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो इस तरह सा एक स्क्रीन हमारे सामने आएगी जिसके अंदर हम उस मीडिया को देख भी सकते हैं और देखने के साथ साथ हम उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ये हमारी ओरिजिनल स्क्रीन रहेगी और ये हमारी क्रॉप्ड स्क्रीन हमें नज़र आएगी। यहाँ पर हमें कुछ इसकी ओरिएंटेशन और साइज भी दिए गए हैं, जैसे हम 4x3 करना चाहते हैं, अगर हम इसको 16x9 में रखना चाहें तो हम इस तरह से रखेंगे और अगर हम इसको मैन्युअली करना चाहें तो हम इसको मैन्युअली भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम इसको किसी भी कॉर्नर पे हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने किसी ख़ास हिस्सा को अपनी वीडियो के अंदर दिखाना है, रखना चाहते हैं, तो हम उसको इस तरह से यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हम उसको जब प्ले करेंगे तो हमारा वो हिस्सा जो है वो प्ले हो जाएगा। तो इसका बेसिकली क्रॉप करने का मकसद ये होता है कि आप कोई भी आपकी वीडियो है, आप उसमें से कोई एक्स्ट्रा जो साइज है, एक्स्ट्रा साइड है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं और अपना एक मखसूस हिस्सा, मखसूस एरिया जो है आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाइट स्क्रीन आ रही है और इस साइड पे आपका क्रॉप एरिया आ रहा है। अगर आप इसको मज़ीद क्रॉप करना चाहें तो हम इस तरह से इसको क्रॉप कर सकेंगे। तो ये होता है बेसिकली किसी भी वीडियो या मीडिया को क्रॉप करने का मकसद और मेथड। अभी जैसे कि ये वीडियो है, हम इसको भी क्रॉप कर सकते हैं। हम इसको क्रॉप पर क्लिक करेंगे, सिंपली जहाँ पर आप इसको क्रॉप करना चाहेंगे हम उसको इस तरह से क्रॉप कर सकेंगे। मोहतरम स्टूडेंट्स, आज की क्लास सेशन में हमने वीडियो को क्रॉप करना सीखा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं।